सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है आप सभी लोग के लिए, क्योंकि काफी सारे लोगों को लग रहा है कि मैं फिजिकल एजुकेशन जो आप लोग को पढ़ा रहा हूं ना क्लास 12th के लिए, वो गलत पढ़ा रहा हूं। तो आज के पूरे मिथ को बस्ट करने आया हूं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक के जरूर देखना, बहुत मजेदार ये वीडियो होने वाला है। और साथ ही साथ इस तरीके से प्यारे कॉन्टेंट मैं चैनल पे आप लोग के लिए प्रोवाइड करता रहता हूं, तो सपोर्ट अपोर्ट मारो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, भैया को सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक के शेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ फिजिक्स के वन शॉट, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अनअकैडमी की तरफ से चल रहा है 50% का ऑफ उनके सब्सक्रिप्शन प्लान में। तो अगर आप लोग क्लास 6 से लेकर 12 तक का सब्सक्रिप्शन प्लान करना चाहते हो तो आप लोग बेसिकली अनअकैडमी के साथ जा सकते हो, जहां पे टॉप एजुकेटर के साथ आप अपने घर बैठे स्ट्रक्चरल वे में प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आप लोग चाहते हो तो बेशक आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स गिवन है, वहां पे आप लोग मेरा कोड यूज करें Zaki100, जिसके थ्रू आप लोग को यार स्पेशल 50% का अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा और आप लोग अपनी सीमलेस प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप में से काफी सारे लोगों के मैं जैसे देख रहा हूं अभी कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और उसमें मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया कि काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया आप ना जो न्यू वीडियोस बनाए हो 2022-2023 के लिए, वो सारे वीडियोस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारी बुक में जो लिखा हुआ है वाले टॉपिक इसके अंदर कवर नहीं है। आप में से काफी सारे लोग बोल रहे हैं जो हमारे स्कूल में भैया पढ़ाया जा रहा है वो इससे रिलेवेंट नहीं है, भैया जो आप पढ़ा रहे हो गलत है, कोई और पढ़ा रहा है वो सही है, आप गलत हो। भाई प्लीज समझो यार, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो यार, आप लोग के पास जो भी बुक होंगी फिजिकल एजुकेशन की, वो हो सकता है लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉलो अप कर रही होंगी। जो एकदम स्ट्रिक्टली न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2022-2023 के अकॉर्डिंग, उसमें आप लोग को सभी का सभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें मिलेगी। याद रखिएगा, फिजिकल एजुकेशन का आप लोग के जो 2022-2023 के स्टूडेंट्स हैं, इन लोग के लिए ना फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में मेजर चेंज आया है। तो इस वजह से क्या है ना दिक्कत, कि अगर आप मेरे लास्ट ईयर के भी वीडियोस देखोगे ना, जैसे 2021 और 2022 वाले जो देखेंगे, और उसको अगर आप कंपेयर करोगे 22-23 वालों से, तो आप लोग को ऑब्जर्व होगा कि लास्ट ईयर और इस ईयर के वीडियोस में मेजर डिफरेंस दिख रहा होगा, चाहे वो पहले चैप्टर में हो, सेकंड चैप्टर में हो, थर्ड चैप्टर में हो, फोर्थ चैप्टर में, किसी में भी, क्योंकि काफी सारे मेजर टॉपिक्स को सीबीएसई ने आगे पीछे किया है भाई। तो यार ये मत सोचो कि भैया कोई आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं या कोई टॉपिक मैं क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। भरोसा किया हो ना तुम लोगों ने, तो क्यों भरोसा मैं तुम्हारा तोड़ूंगा यार। तो चलो मैं आज कंपेयर कर देता हूं तुम लोग को, क्योंकि तुम में से ना काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी कि पुराने सिलेबस और न्यू सिलेबस में क्या मेजर चेंजेस फिजिकल एजुकेशन के आए। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, आपके साइड में दिख रहा होगा, ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के न्यू सिलेबस के लिए और लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो लास्ट ईयर का सिलेबस था फिजिकल एजुकेशन का, उसके अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर था उसका नाम था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। उसके अंदर जितने कंटेंट थे, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो न्यू जो चैप्टर है उसका नाम बदल के आ गया है, इसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। तो लास्ट ईयर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स था, इस बार मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट है। क्लियर है दोस्त? अब यहां पे ध्यान देना, दोनों चैप्टर एक जैसे ही है, लेकिन जो कंटेंट है वो डिलीट हो चुका है। पहला जो पॉइंट है वो नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर नया पॉइंट आप लोग के लिए एड ऑन है। सेकेंड और थर्ड पॉइंट जो आप लोग का न्यू सिलेबस के चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, लास्ट वाले के अंदर अगर आप चेक करो टूर्नामेंट वाला, तो वो इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो आप कंपेयर करो, दोनों के अंदर काम की बातें अलग अलग लिखी हुई है। सीबीएसई जो है फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वही टॉपिक फिजिकल एजुकेशन का पूछता है जो न्यू सिलेबस के, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप लोग कुछ अलग ही प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि आप लोग का सिलेबस अलग आ चुका है ना दोस्त, समझो इस चीज को। अगर आपके स्कूल के टीचर भी बोल रहे तो हो सकता है उन्हें सिलेबस नहीं देखे, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई जाकर नया सिलेबस देखो यार। अगर आप सेकंड चैप्टर देखोगे, लास्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर था वो था स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, तो इसलिए आप लोग को मेरे लास्ट ईयर के जो वीडियोस होंगे उसमें स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर मिल रहा होगा। लेकिन जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यार, आप लोग का जो न्यू सिलेबस है जिसका नाम सेकंड चैप्टर के अंदर है, वो आप लोग का यार चेंज हो चुका है। मतलब क्या, सेकंड चैप्टर कुछ और है और स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन जो है न्यू सिलेबस में आप लोग को फिफ्थ चैप्टर में मिलेगा। क्लियर दोस्त? इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो लास्ट वाला टॉपिक जो लास्ट ईयर के सिलेबस में था वो डिलीटेड है,
और ये टॉपिक इस तरीके से क्लियर है। तो इसलिए मैंने जो न्यू वीडियो बनाया हूं वो इसके अंदर सिर्फ इतने ही टॉपिक आप लोग के इंक्लूड है, क्लियर है भाई। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, लास्ट ईयर भी योगा एंड स्पोर्ट्स था, इस ईयर भी आप लोग के लिए भी योगा एंड स्पोर्ट्स मतलब योगा एंड लाइफस्टाइल ही है, क्लियर है। लेकिन यहां पे भी बहुत बड़ा मेजर चेंज है, क्यों? देखो, लास्ट ईयर आपको ओबिसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन पढ़ना था, इस साल भी आप लोग को ओबिसिटी, डायबिटीज और अस्थमा, हाइपरटेंशन पढ़ना है। लेकिन अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो जितने भी रिस्पेक्टिव आसन से ओबिसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन के अंदर इस साल काफी सारे नए नए आपको आसन एड ऑन करके दिए गए हैं और काफी सारों को हटा दिया गया है। इस वजह से योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर के अंदर मेजर चेंज है। अगर आप पुराने साल का वीडियो देखोगे तो आप लोग का प्रिपेयर अच्छा नहीं होगा, आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्लियर है दोस्त। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर का जो फोर्थ नंबर का चैप्टर था वो CWSN वाला था, इस साल भी CWSN वाला है, लेकिन यहां पे भी मेजर चेंज है। काफी सारे लोग बोल रहे थे, भैया आपने जो अभी नया वीडियो बनाया उसमें डिसऑर्डर पढ़ाया नहीं। अरे भाई, नए सिलेबस के अंदर डिसऑर्डर है ही नहीं तो क्यों पढ़ाऊंगा। अब आप बोलोगे, भैया डिसऑर्डर कहां चला गया? जो न्यू सिलेबस आया है ना क्लास 11 का, उसके अंदर डाल दिया गया, रीशफलिंग कर दिया गया, समझ में आया? तो लास्ट ईयर के अंदर आप लोग को डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, ये सभी डिसेबिलिटी एटिकेट्स, ये सभी चीजें थे। तो लास्ट ईयर का सिर्फ एक ही टॉपिक आपका नए सिलेबस के अंदर है, बाकी दो टॉपिक क्लास 11 के ऐड कर दिए गए, जिसमें स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक और एडवांटेजेस आपको पढ़ना है CWSN के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज करने से। तो याद रखिए, न्यू सिलेबस एकदम डिफरेंट है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो अगर आप मेरा लास्ट ईयर का वीडियो देख रहे हो या लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आप अगर पढ़ रहे हो तो आपका प्रिपेयर नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। एग्जाम में वो ये चीजें पूछेगा क्योंकि CBSE ने नया सिलेबस दिया है, तो भाई उसी से पूछेगा ना। अगली बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, तो जो लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 था उसका नाम था चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, लेकिन लास्ट ईयर जो चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स था, इस साल उस चैप्टर को सेकंड चैप्टर बना दिया गया, क्लियर है दोस्त, समझ में आया? तो यहां पे जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है आप लोग का, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। लास्ट ईयर टॉपिक्स थे आप लोग को यार, ये दो टॉपिक आप लोग को नहीं है इस बार, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये वाला टॉपिक आप लोग के सिलेबस के अंदर है और ये दो नए टॉपिक एड ऑन कर दिए गए, फीमेल एथलीट ट्रायड और स्पेशल कंसिडरेशन। इस वजह से ये जो चैप्टर है ये भी छोटा, आप लोगों ने देखे जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया ये टॉपिक तो छोड़ ही दिए। अरे भाई, सिलेबस ये पुराना है, हम न्यू के हिसाब से चलेंगे ना, पुराने के हिसाब से क्यों चलेंगे भाई। और अगर आप मेरा पुराना वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग का प्रिपेयर नहीं होगा, मैं पहले बोल रहा हूं, न्यू वीडियोस देखो सब चीजों के, ठीक है भाई, मेरे देख रहे हो या किसी के भी देख रहे हो भाई, ठीक है। अगर अगले चैप्टर की बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, तो चैप्टर नंबर 6 है टेस्ट एंड मेजरमेंट। ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर जो स्टार्टिंग के दो पॉइंट है ये अलग है, समझ में आया? लास्ट वाला ही सेम टॉपिक है और जो नया सिलेबस है इसमें आप लोगों को फिटनेस टेस्ट के अंदर काफी सारी नई नई अलग अलग चीजें दी गई है। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया हूं तो आप लोग को वही फॉलो अप करना है, उसी के थ्रू आप लोग को यार अच्छे नंबर लेकर आना है अपने, क्लियर है भाई। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो रिकली एंड जॉन टेस्ट आप लोग को वापस से रिपीटेड, बाकी ये दो टॉपिक आप लोग के अलग, क्लियर है भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं टेस्ट एंड मेजरमेंट भी टेस्ट नहीं टेस्ट एंड मेजरमेंट भी अलग है, क्लियर है भाई। अगर मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरी। फिजियोलॉजी एंड इंजरी लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसके कंपैरिजन में इस साल के जो सिलेबस है इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्लियर दोस्त, लगभग सेम, बस एक टॉपिक डिलीटेड है, बाकी सब कुछ सेम है। तो फर्स्ट एड आपको नहीं पढ़ना है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग फर्स्ट एड पढ़ना था, इस साल आप लोग को नहीं पढ़ना है फर्स्ट एड, बाकी चीज आप लोग की सेम। अगर मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 8 की, तो वो उसका नाम है बायोमैकेनिक्स। और बायोमैकेनिक्स अगर आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो आप बहुत सारी मेजर चीजें छोड़ दे रहे हो, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के दो टॉपिक आपने नए सिलेबस में नहीं है, सिर्फ न्यूटन का लॉ ही नए सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है पुराने के अकॉर्डिंग, और नए तीन टॉपिक ऐड कर दिए गए, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, प्रोजेक्टाइल। तो न्यू वीडियो देखना, उसमें आपको ये नए टॉपिक मिलेंगे, क्लियर है। तो ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में भी आप लोग को मेजर चेंज है। आपको लास्ट ईयर जंक्स क्लासिफिकेशन पढ़ना था, इस साल जंक्स शेल्डन मेथड पढ़ना था, इस बार आपको शेल्डन मेथड नहीं पढ़ना है। मेरी बुक के अंदर एक छोटा सा एरर हो गया था तो मैंने उसको ठीक करवा दिया हूं। उसके अंदर आपको शेल्डन मेथड एड ऑन हो गया था तो उसकी जगह मैंने जंक्स क्लासिफिकेशन एड ऑन करा दिया हूं। तो जिस किसी ने भी यार अभी तक के मेरी बुक नहीं लिया, आप लोग ले सकते हो यार, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोग के लिए बुक लॉन्च किया जिसके थ्रू आप लोग यार घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हो। ये मेरी खुद की बुक है, इसके अंदर आपको सभी चीजें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो एरर था वो भी ठीक हो चुका है। तो अब आप लोग को जो भी बुक मिलेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, चाहे आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से खरीदना है तो खरीद लो, और अगर आपको स्पेशल 25% का डिस्काउंट चाहिए
तो आप लोग नोशन प्रेस से खरीद लेना, कोड डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो कोड को वहां पे यूज कर लेना, 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, इसको यूज करें। या ईबुक के थ्रू अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो ईबुक के थ्रू पढ़ सकते हो, और वो भी आप लोग को किंडल में अवेलेबल है। तो इस बुक को यार आप लोग जरूर अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर रखे, जिसमें आप लोग को सारा कॉन्टेंट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लियर है भाई। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने आप लोग को कहा चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी आप लोग को मेजर चेंजेस है। पर्सनैलिटी में आप लोग को शेलडाउन मेथड इस बार नहीं पढ़ना है, जंक्स और बिग फाइव थ्योरी पढ़ना है। इसके बाद मोटिवेशन टॉपिक डिलीट हो चुका है, सिर्फ एग्रेशन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग एड ऑन है, और एक नया टॉपिक यहां पे डाल दिया गया है, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन स्पोर्ट्स, क्लियर है। तो ये टॉपिक आप लोग को नया पढ़ना है। तो ये नया वीडियो के अंदर आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, ये मैंने बना चुका हूं और आप लोग इसको चेकआउट कर रहे हो कि नहीं। शर्मा गई सीरीज नाम की एक फिजिकल एजुकेशन की सीरीज है, सारे वीडियोस उसके अंदर कवर अप है, आई बटन में आपको वन शॉट की सीरीज मिल जाएगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर टेन देखो, ओल्ड सिलेबस एकदम अलग है, न्यू सिलेबस आप लोग का अलग है, क्लियर भाई। ये दो नए टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो ये आप लोग को अलग से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है भाई। तो ये कुछ नए टॉपिक्स हैं जिनको एड ऑन किया गया है, तो इसको आप लोग यार अच्छे से फोकस करके पढ़े। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग का, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर आप लोग के ये है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है। तो ये पूरा ओल्ड सिलेबस के चैप्टर फर्स्ट से लेकर 10 तक के लिखे हुए, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखे हुए। सारे वीडियोस में जो फिजिकल एजुकेशन के यूट्यूब पे बना रहा हूं वन शॉट, वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 2022-2023 के अकॉर्डिंग है। अगर ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो क्या पढ़ना क्या छोड़ना, तो मैं इसको मेरी वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप लोग इसको रीड करके यार अपने टॉपिक्स को सही सही कर लो, क्लियर है भाई। तो प्लीज यार समझा करो, भैया आप लोग को बिल्कुल भी गलत टॉपिक नहीं पढ़ा रहे, तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा करे हो तो भरोसा कायम रहेगा, बिल्कुल भरोसा नहीं टूटेगा, टेंशन मत लो बिल्कुल इस चीज का। और इस तरीके से प्यारा कंटेंट मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब मार लो यार, प्यारा प्यारा कंटेंट आता रहता है। साथ ही साथ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर आप लोग अनअकैडमी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है आप लोग के सब्सक्रिप्शन प्लान में, तो आप लोग जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।